दुख भरी घटना है और कोई नई घटना नहीं है सर, जैसा मैंने अभी पीछे कहा, बदकिस्मती से ये आए दिन का वाकया है। खुद एमनेस्टी का कहना है कि पाकिस्तान में 1000 से जायद हिंदू सिख क्रिश्चियन बच्चियों को, ख़ासतौर पर हिंदू बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है और उनके साथ जुल्म होता है। तो ये जो अभी रिसेंट वाकया है, जो ज़ख्म हमारे भरते ही नहीं हैं, वो फिर ये हुआ, तो आपका क्या इस पर रिएक्शन है, क्या कमेंट्री है आपकी? देखिए ताहिर साहब, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, पाकिस्तान से इसका पूरी तरीके से हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि ये दंदनाते हुए जैसे चलते रहते हैं ना, ये मंदिर तोड़ा, ये तोड़ा, ये सब, ये चलेगा नहीं इनका। और दे विल पे अ वेरी वेरी हैवी प्राइस, दे आर पेइंग अ हैवी प्राइस। अगर इनको ये लग रहा है कि यू नो, हमारी सरकार ने, हम लोगों ने इस चीज से बिल्कुल नजरें फेर ली, हम पाकिस्तान की तरह, ये इमरान खान की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर बढ़के नहीं मारते, एब्सोल्युटली नॉट, ये सब हम लोग ड्रामा नहीं करते, ये बड़ी बड़ी बात है ना, मौला जट टाइप की जो फिल्में बनाते हैं इस टाइप, हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हमें जो करना है हम करेंगे। ये कहीं ना कहीं इनको ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, ठीक है, कि इसका दाम जो है ना ताहिर साहब, इसका दाम बहुत बहुत गहरा है इसका दाम, और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक आदमी अपनी उसमें होता है ना, एक नशे में होता है अपने, ही इज इन हिज ओन दिस थिंग वर्ल्ड, कि साहब मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, 97% मुस्लिम है, 94, 95, 96, 97% मुस्लिम, तो उनको लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इनको अभी FATF की मार सर, ठीक है, इनको और इतनी मारें पड़ेंगी कि सर ये भूल जाएंगे कि क्या मंदिर है और क्या मस्जिद है, इनको याद नहीं रहेगा, इनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी सर। और इंडिया जब मारेगा ना, हमारी जो लाठी है, इंडियंस की लाठी है सर, हमारी लाठी आवाज नहीं करती सर, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की, पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इन लोगों ने बहुत, ये जिसको कहते हैं सर कि जो जुल्म है ना सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया, 1000 से ज्यादा जो लड़कियां, आपने सही बात बोली कि जो उन्होंने यू नो किडनैप करी, उनका रेप भी हुआ, उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ, ये सब, इनको क्या लगता है कि किसी खाते में जुड़ा नहीं है? जो मिट्ठू मियां कर रहा है वो किसी खाते में जुड़ा नहीं है, इनको लगता है ये पूरा पाकिस्तान इसका हिसाब देगा सर। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान हिसाब देगा। इंडिया विल इंश्योर दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक बैकबोन इज ब्रोकन। इंडिया विल इंश्योर दैट जहां पे भी टेररिज्म का हवाला हो, वहां पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा। इंडिया विल इंश्योर कि ये नाम एक गाली बन जाए। हम इनको, जिसको कहते ना, हमें कोई हथियार नहीं चलाने की जरूरत सर, हमें कोई बम मारने की जरूरत नहीं, हमें कत्ल गारत करने की जरूरत नहीं, टेररिज्म वेररिज्म कुछ नहीं जरूरत। और ये जो भी कर रहे हैं सर, आप देखिएगा, और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था सर, मैं अगले 6 महीने की बात कर रहा हूँ, आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान, ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा इकोनॉमिकली। इनका GSP प्लस का जो खेल है, राइट, इनके ऊपर जो और इकोनॉमिक सैंक्शन है, ये बिल्कुल अपने वतन, अभी तो ये कहते हैं ना कि अफगान आते हैं तो हम अफगानों को बड़ा यहाँ पे सहूलियत देते हैं और उनको रेफ्यूजी, उनको इतने सालों से पाल रखा है, अभी ये लोग भागेंगे, कौन सा मुल्क इनको पालेगा, आप देख लीजिएगा, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला। और ज्यादा नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर जनवरी तक, आप देखिएगा इनके साथ क्या क्या होता है। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, और ये जो भी सर इनके लाहौर वाले एंकर जो बोलते रहते हैं ना TV पे कि हम ये कर देंगे जी, ये साजिश हो रही, इनको ये सब भागेंगे सर, ये सब भागेंगे। अभी देखिएगा इनके वहां, अब आप देख लीजिए पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स रिटर्न करने हैं, कितने बिलियन डॉलर्स रिटर्न करने हैं। अच्छा, IMF के पास पैसा कहां से आता है? IMF टैक्स तो कलेक्ट नहीं करता, कोई मुल्क देता है उनको पैसा IMF को, तभी IMF के पास पैसा आता है। अब आप ये सोचिए कि IMF जब पाकिस्तान को देता है पैसे, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं सर जो इनकी बांह मरोड़ सकते हैं? अब इसमें हम और चाइना एक है सर, चाहे हम पाकिस्तान की बांह मरोड़े चाहे चाइना मरोड़े, दर्द तो पाकिस्तान को ही होगा, चीखें तो पाकिस्तान की निकलेंगी, ठीक हो गया सर। तो ये जो भी कर लें, इनका मैं बता रहा हूं, एक एक मंदिर टूटने का, एक एक हिंदू जो सिख है, जो ईसाई लड़की है जिसका धर्म परिवर्तन करा है, जिसका रेप हुआ है, एक एक बच्ची का जवाब लिया जाएगा सर। आप देख लीजिए अगले 6 महीने में ये इनकी चीखें निकलने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। आज का आप ये जो है ना, आज की तारीख, जो भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसको रिकॉर्ड करके आज का डेट रिकॉर्ड करें,
कि मेजर गौरवारिया ने बात बोली थी, 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली हैं, कहां कहां से निकलेंगी मैं आपको ये भी बता दूंगा, कि कल आप ये ना बोलें कि इसने ऐसी हवा में थुर्रा मार दिया था, मैं आपको बताऊंगा कहां कहां से चीखें निकलेंगी इनकी।